झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक कचहरी प्रांगण में की गई। बैठक में उपस्थित आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मांगों व चाईबासा में राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर की गई है। वहीं बैठक में काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका उपस्थित थी। इधर बैठक के दौरान चाईबासा में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में अपनी मुख्य मांगों को रखने का निर्णय लिया गया। अंशुलता जी, प्रदेश सलाहकार प्रयाग जी की गिरिडीह जिला काफी प्रगति की ओर है। जब से नई कमेटी का गठन आहूत की गई है, पहली बैठक में यह एजेंडा तय किया गया। पिछली बैठक में जो आप लोग सबों की उपस्थिति थी, जो कर्मचारी संघ की बैठक कचहरी प्रांगण में आहुति की गई है, आज की बैठक का अहम मुद्दा है सबसे पहले कि सरकार ने जो हमारे साथ वादा किए हैं उस वादा को पूरा करो, नहीं तो हम लोग आंदोलन की तैयारी में अभी से लग गए हैं। और सब दूसरी बात है कि हम लोग का राज्य सम्मेलन चाईबासा में 2 तारीख को किया जा रहा है और उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ हम लोग अपनी बातों को माननीय हमारी विभागीय मंत्री जोबा मांझी जी आ रही है और उसके सामने हम लोग अपनी समस्या को रखेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आज की बैठक का यहाँ विस्तार से रखा गया। मैं जिला सचिव अंशुलता स्वरूप, धन्यवाद। मैं एक बैठक की जा रही है जिसमें हम लोगों को बहुत दबाव दिया जा रहा है कि पोषण ट्रैकर में काम किया जाए। पोषण ट्रैकर में काम करने के लिए हमारी बहनें सब सक्षम है, सब काम करने के लिए तैयार है, मगर सरकार उस तरह से उपलब्ध मोबाइल उपलब्ध कराए तब ना, उसमें रिचार्ज कराए तब ना, ना सरकार मोबाइल देती है ना समय पर रिचार्ज कराती है। और सेविकाओं को ऊपर से दबाव दिया जाता है कि मानदेय काट लिया जाएगा तो चयन मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जब आप हमको मोबाइल दीजिएगा तो हम लोग काम करेंगे। हम लोग काम करने से नकार नहीं रहे हैं, हम लोग तो काम करने के लिए तैयार हैं। और जो अगर किसी सेविका के पास अगर मोबाइल है तो वो अगर काम कर रही है तो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे को जब उसमें खोला जाता है तो आधार वेरीफाई मांगता है। आधार वेरीफाई के मतलब क्या होता है कोई समझ में नहीं आता है। ये तो हम लोगों को सुपरवाइजर बताती या तो करके दिखाती, ये सब कुछ करती नहीं, ऊपर से दबाव देती है। और हम लोगों का राज्य सम्मेलन 2-3 अप्रैल को चाईबासा में होने जा रहा है, उसमें हमारी विभागीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी आएंगी। अब हम लोग उसमें अपनी समस्याओं को सुनाएंगे और उनसे वार्ता करेंगे।